किसान आंदोलन। सितंबर 2020 को लागू किए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर हुए इस आंदोलन को पूरे देश ने देखा था। ये देश के इतिहास में सबसे लंबा किसान आंदोलन था। पंजाब से शुरू हुआ आंदोलन पूरे देश में फैला और कानून वापसी को लेकर दिल्ली के बॉर्डर पर महीनों तक किसान डटे रहे। किसानों के आंदोलन के आगे पीछे हटी सरकार ने कृषि कानून वापस ले लिए, लेकिन किसानों की मांगें पूरी नहीं हुई। अब एक बार फिर किसानों ने अपनी मांगों को लेकर हल्ला बोल दिया है। इस बार क्या है उनकी मांगें, आपको 10 पॉइंट्स में समझाते हैं। पहला, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP के लिए कानूनी गारंटी। दूसरा, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए, सभी फसलों की कीमतें C2+50% फॉर्मूले के हिसाब से तय हों। तीसरा, किसानों के कर्ज को माफ करे सरकार। चौथा, लखीमपुर खीरी हिंसा पीड़ित किसानों को इंसाफ मिले। पांचवा, इंडिया को WTO से बाहर आना चाहिए, यानी कृषि वस्तुओं, दूध उत्पादों, फलों, सब्जियों पर आयात शुल्क कम करने के लिए भत्ता बढ़ाना चाहिए। छठा, विदेशों से और प्राथमिकता के आधार पर भारतीय किसानों की फसलों की खरीद की जाए। सातवां, 58 साल की उम्र पार कर चुके कृषि मजदूरों को ₹10,000 प्रति माह की पेंशन दी जाए। आठवां, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सुधार किया जाए, सभी फसलों को योजना का हिस्सा बनाया जाए। नौवां, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को उसी तरीके से लागू किया जाना चाहिए और भूमि अधिग्रहण के संबंध में केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को दिए गए निर्देशों को रद्द किया जाना चाहिए। दसवां, मनरेगा के तहत हर साल 200 दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाए, मजदूरी बढ़ाकर ₹700 प्रति दिन की जाए और इसमें कृषि को शामिल किया जाए। खेती किसानी से जुड़े मुद्दों और रोचक जानकारी के लिए देखते रहिए न्यूज़ पोर्टली।